खाने के स्वाद में रंग और स्वाद को बढ़ाने वाली हल्दी कई प्रकार से काम आती है। कहा जाता है कि औषधीय गुणों में सबसे ज़्यादा फायदेमंद देती है हल्दी, क्योंकि कई प्रकार की बीमारियों, चोट लग जाने पर हल्दी काफ़ी ज़्यादा फायदा देती है। कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल ना सिर्फ खाने के स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य के फायदा पहुंचाता है। महिलाएं खाना बनाने के दौरान मसाला से निकाल मिलने वाले फायदे से अनजान रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हल्दी के फायदों के बारे में जो महिलाओं को ज्यादा मिलता है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटी बैक्टीरिया और एंटी माइक्रोबियल तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा बीटा कैरोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, पोटेशियम, जिंक समेत कई और भी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल महिलाएं महावारी, इम्यून सिस्टम, गर्भावस्था और PCOD जैसी पेचीदा समस्या में कर सकती हैं। जी हाँ, पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिसऑर्डर आमतौर पर महिलाओं के अंदर हार्मोनल असंतुलन के कारण होती है। महिला के शरीर में पुरुष हार्मोन एंड्रोजन का लेवल बढ़ने पर इसके लक्षण सामने आते हैं। पहला, आप किस इस्तेमाल में कर सकते हैं हल्दी, जी महिलाओं आपको बताते हैं, तो वो है महामारी की समस्या में। जी हाँ दोस्तों, महावारी की समस्या के लिए हल्दी काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि हल्दी का जरूर सेवन करना चाहिए इस समय। इससे शरीर में होने वाले दर्द और मूड को फायदा मिलता है और वेजिना संक्रमण से हल्दी सुरक्षा प्रदान करती है। तो जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम गिर जाता है तो इसमें भी काफ़ी फायदा देता है, तो ऐसे में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि हल्दी को चाय या अन्य पेय में मिलाकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। प्रतिदिन हल्दी को खाना में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा पीने का भी हिस्सा इसे बनाना चाहिए, यानी कि कई बार आप इसे खाइए और पानी पी लीजिए, आपको काफ़ी फायदा देगा। तो वही कमर दर्द जो कि महिलाओं को ज़्यादा होता है और अन्य मुसीबतों में अच्छा फायदा देगा। कमर दर्द के अलावा अक्सर महिलाएं जोड़ों में दर्द, उठने बैठने परेशानी की शिकायत करती हैं। अगर हल्दी का पैक बनाकर प्रभावित जगह पर लगाया जाए तो आराम मिलेगा। तो वहीं हार्मोन के लिए भी काम आता है। बढ़ती उम्र के साथ लड़कियों के हार्मोन बिगड़ने और शरीर में गैर जरूरी बदलाव की शिकायत हो रही है। हल्दी का इस्तेमाल कर महिलाओं को होने वाली अंदरूनी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। तो वहीं वेजीना में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ने और कैंडिडा की मात्रा घटने से संक्रमण होता है। तो वहीं गर्भवती महिलाएं और बच्चों के लिए भी फायदा देता है, क्योंकि गर्भ के समय महिलाओं को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसी नुकसान से बचने के लिए गर्भ में पल रहे शिशु के प्रति महिलाएं ज़्यादा चौकन्ना रहती हैं। तो गर्भावस्था में महिला का सालन मुफीद होगा, मगर कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। माँ और गर्भ में पल रहे बच्चे को फायदा मिलेगा। साथ ही साथ सुरक्षा यानी गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को ख्याल रखना चाहिए कि हल्दी का इस्तेमाल सिर्फ खाने में नहीं, इसके लिए कैप्सूल या सप्लीमेंट का सेवन हरगिज नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे को सुरक्षा मिलेगी। तो हल्दी के फायदे महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो हम आशा करते हैं कि वो महिलाएं जिनको ये बीमारियां हो रखी हैं जो गर्भावस्था के दौरान हैं, उनको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ये हमेशा हेल्दी रखे आपके शरीर को और आपके आने वाले बच्चे को। ऐसी और हेल्थ टिप्स की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।